गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेस साइंस क्लास चैप्टर 4 वाटर। उनके आंसर दिस समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी वाटर पानी का गैसीय रूप क्या है। आंसर, वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का गैसियस फॉर्म क्या है? वाटर वेपर। क्या है? वाटर वेपर। सेकंड, व्हाट मेक्स आइस मेल्ट, आइस यानी बर्फ, मेल्ट पिघलना, आइस किस से पिघलता है? आंसर, हीट मेक्स आइस मेल्ट, हीट यानी जो गर्मी होती है वो आइस बर्फ को पिघला देती है। इन नेचर वाटर वेपर कैसे चेंज होती है? आंसर, वाटर वेपर चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जैसे कि हमने वाटर वेपर के बारे में डिटेल में जान लिया है कि वाटर वेपर क्या है। जैसे कि ओशंस, रिवर्स, लेक, उनका पानी जो है वो सन यानी जो सूर्य होता है उनकी जो गर्मी होती है उससे क्या होता है, वो पानी गर्म होता है एंड उसमें से वाटर वेपर निकलती है। वाटर वेपर लाइट यानी हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर 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 चढ़ती जाती है, ऊपर जाके वो ठंडी होती है एंड जैसे ही वो ठंडी हवा से मिलती है तो वो ठंडी हो जाती है एंड उसमें से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदें बन जाती है। ठीक है, तो वाटर वेपर किसमें चेंज होती है, तो उसमें से क्या बनता है? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदें बनती है। फोर्थ, व्हाट आर क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, क्लाउड्स क्या है? आंसर, इन नेचर वाटर वेपर राइजेस मीट्स कोल्ड एयर एंड चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कोल्ड क्लाउड्स। इन नेचर यानी प्रकृति में क्या होता है कि ओशंस, रिवर्स, लेक्स, उनका जो वाटर पानी जो होता है वो सन की गर्मी से क्या होता है, गर्म होता है एंड जैसे ही वो पानी गर्म होगा तो उसमें से क्या निकलेगी, वाटर वेपर। क्या निकलेगी? वाटर वेपर। वाटर वेपर लाइट यानी वो हल्की होती है, इसलिए राइजिस यानी ऊपर 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 वो चढ़ती जाती है एंड ऊपर जाके मीट्स कोल्ड एयर यानी ऊपर जाके वो ठंडी हवा से मिलती है। जैसे ही वो ठंडी हवा से मिलेगी तो उसमें से क्या बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदें बन जाती है एंड वो पानी की बूंदें एक साथ ज्वाइन जुड़ती है तो उसमें से क्या बनते हैं, क्लाउड्स यानी बादल बनते हैं। फिफ्थ, व्हाई डू वी नॉट सी वाटर वेपर, हम वाटर वेपर को क्यों नहीं देख सकते? आंसर, वी डू नॉट सी वाटर वेपर बिकॉज वाटर वेपर इज कलरलेस। हम वाटर वेपर को नहीं देख सकते क्योंकि वाटर वेपर इज कलरलेस यानी उनका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए हम वाटर वेपर को नहीं देख पाते। सिक्स्थ, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है यानी क्या दोनों के बीच में क्या फर्क है, तो उनके टू डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। फर्स्ट, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप, सॉलिड थिंग्स जो होती है उनका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। जैसे कि टेबल, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, सॉलिड्स है एंड उनका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड्स, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, लिक्विड थिंग्स जो होती है मिल्क, वाटर, ऑयल, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, लिक्विड्स थिंग्स है तो उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, बुक, टेबल, चेयर, पेन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स, ऑयल, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। सेवंथ, राइट वन डिफरेंस बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बीच में अंतर क्या है, तो एक डिफरेंस आप लोगों को लिखना है, लिक्विड्स फ्लो,
लिक्विड्स लाइक मिल्क वाटर ऑयल ये सब क्या है लिक्विड्स है एंड वो फ्लो हो सकते हैं यानी वो बह सकते हैं गैसेस स्प्रेड यानी जो गैसेस होती है वो स्प्रेड हो सकती है यानी वो फैलती है आज का हम यहाँ तक रखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन समझेंगे